देवघर चांदन मुख्य मार्ग स्थित मध्य निषेध चेक पोस्ट करुआ पत्थर के समीप गुप्त सूचना के आधार पर चांदन पुलिस और ALTF की संयुक्त टीम ने एक जुगाड़ गाड़ी पर लोडेड 3 पुरानी ट्रैक्टर के टायर में छिपाकर मुंगेर ले जा रहे 300 ml की 500 बोतल मसालेदार शराब रॉयल स्टैग ब्रांड की 750 ml की 10 बोतल इंपीरियल ब्लू 375 ml की 48 बोतल रॉयल चैलेंज 750 ml 12 बोतल और इंपीरियल ब्लू 750 ml की 23 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त कर दी। शराब कारोबारियों को हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार और मध्य निषेध टास्क फोर्स के ASI उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सिपाही आलोक यादव नीतीश कुमार और प्रेम दत्त ने 2 शराब कारोबारी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि चांदन कटोरिया मुख्य सड़क मार्ग से भारी मात्रा में देशी और मसालेदार शराब की खेप आने की सूचना मिली थी, जिसके आलोक में चांदन पुलिस और ALTF की टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान लखीसराय जिला के प्रवीण पासवान और मुंगेर जिला के विनय कुमार सिंह के रूप में हुई। इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों कारोबारियों के खिलाफ मद्य उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। लाइव TV समाचार के लिए भागलपुर मंडल प्रभारी चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव TV समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।